जींद के गोहाना रोड स्थित राजकीय महिला महाविद्यालय में बुधवार को मोदी फॉर पीएम मिशन 2019 के प्रदेश संयोजक जसमेर रजाना के नेतृत्व में उन्नत कृषि विकास आधार कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। इस कार्यक्रम में सलाहकार पीएम इजराइल मेहंदी सफा मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और किसानों को उन्नत कृषि के बारे में जानकारी देंगे। सोमवार को रेस्ट हाउस में पत्रकारों से बातचीत करते हुए जसमेर रजाना ने बताया कि खेत की जोत लगातार छोटी हो जा रही है और परंपरागत तरीके से गेहूं और धान उत्पादन से किसान अपने परिवार का पेट भरने में असमर्थ है। किसानों को खेती के इन परंपरागत तरीकों से निजात दिलाकर खेती से अपनी आमदनी बढ़ाने के तरीकों से अवगत कराएंगे। इस कार्यक्रम में मोदी फॉर पीएम मिशन 2019 के राष्ट्रीय संयोजक अभिषेक गुप्ता विशिष्ट अतिथि, मुख्यमंत्री के निजी सचिव राजेश गोयल वक्ता के तौर पर कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। वहीं भारत तिब्बत सहयोग मंच आरएसएस के राष्ट्रीय सचिव रविंद्र देशवाल, एग्रीकल्चर विधि हिसार के वीसी डॉक्टर केपी सिंह, कृषि विज्ञान केंद्र जीत के डायरेक्टर तथा बीजेपी जिलाध्यक्ष अमरपाल राणा भी मौजूद रहेंगे। इनसो के पूर्व जिलाध्यक्ष सुनील रेडू ने अपने साथियों के साथ जसमेर रजाना के नेतृत्व में बीजेपी को ज्वाइन किया। जीन से ऋषि मेहंदी रत्ता, आज़ाद टीवी न्यूज़। जीरी वह गेहूँ लगाते हैं, जैसे मुख्य तौर पर कपास लगा दिया, बाजरा बो दिया, तो इस सिस्टम से खेती कराएं। अगर वो आधे एकड़ में भी कुछ ऐसा जैविक खेती के बारे में बताएंगे, जितनी पैदावार और जितने उससे लाभ होता हमें, जैसे एक किले में लगभग 30-40-50 हज़ार की जीरी की फसल उठा लें हम, तो वो आधा एकड़ में इतने पैसे की फसल उस हिसाब से की जाए। इस प्रकार से अनेक योजनाओं के बारे में वहाँ की जानकारी देंगे। जो कार्यक्रम है सारा, ये मोदी फॉर पीएम मिशन 2019, इसके तहत किया जा रहा है। किसान पूरे जिला जींद से आएंगे जी। कितने की उम्मीद नजर आ रही है? मेरी उम्मीद है जी, हर तरफ से मैसेज पहुँचाया जाएगा, हजारों की संख्या में किसान यहाँ भाग लेंगे।